हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद अक्षय। आज हम डिस्कस करते हैं फास्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। जैसे अर्थमेटिक्स के बहुत से क्वेश्चंस में हम अपन लोग डायरेक्ट फास्ट कैलकुलेशन करके बिना कैलकुलेशन के हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे फास्ट कैलकुलेशन किया जाता है। फर्स्टली, फास्ट कैलकुलेशन करने के तीन मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है यूनिट डिजिट, सेकंड होता है अप्रॉक्सीमेशन, थर्ड होता है डिजिटल सम। तो अगर आपको कम टाइम में, जैसे मैथ्स का अगर हम एनटीपीसी की बात करते हैं, अपन लोग एनटीपीसी की बात करते हैं, तो एनटीपीसी में 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो 30 क्वेश्चन आप अप्रॉक्स 15 to 20 मिनट में आप सॉल्व कर लोगे। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें कैलकुलेशन करना नहीं पड़ता है, ऑप्शन के थ्रू हम जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन हम ऑप्शन के थ्रू ही जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में चार ऑप्शन दिया जाता है। तो अपन लोग को भी चाहिए कि ऑप्शन का यूज करें। डायरेक्ट कैलकुलेशन करने पे काफ़ी टाइम जाता है, तो टाइम को बचाने के लिए अपन लोग ये कैलकुलेशन ट्रिक का यूज करते हैं। तो तीन कैलकुलेशन ट्रिक है। फर्स्ट पे हम डिस्कस करते हैं यूनिट डिजिट, जो आज पढ़ेंगे। यूनिट डिजिट बेसिकली होता है कि यूनिट डिजिट में अपन लोग किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई या डिवीजन या सब्ट्रैक्शन या परसेंटेज निकालते हैं। तो यूनिट डिजिट के थ्रू अपन लोग देखते हैं कि आंसर क्या आएगा। अगर ऑप्शंस में यूनिट डिजिट मैच करता है तो चलते हैं। जैसे अपन लोग देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर 23 को मल्टीप्लाई करते हैं 31 से, तो इसका मल्टीप्लाई अगर ऑप्शंस में यूनिट डिजिट मान लीजिए कि 3 एक ही ऑप्शन रहता, तो वो 3 आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे हम देखते हैं कि 3 का मल्टीपल 1 से करते हैं, इसको अपन लोग गुना ऐसे करते हैं ना, तो 3 × 3 मतलब यहाँ पे तो 3 आएगा ही आएगा। तो अगर 3 यहाँ पे है तो एक ही ऑप्शन हो जाएगा यूनिट डिजिट से। तो यूनिट डिजिट बहुत ज़बरदस्त का कॉन्सेप्ट है, ये अप्रोच है एक तरह से। कंटिन्यू प्रैक्टिस से आप लोगों का बन जाएगा। जैसे मल्टीप्लाई में होता है, जैसे डिवीजन हो गया, ये तो ईजी हो गया। तो ईजी में से जब हम 56 को 8 से डिवीजन देते हैं, तो जानते हैं कि 7 बार में ये कम्प्लीटली चला जाएगा। तो अगर किसी भी, जैसे 8 से अगर हम लास्ट में यूनिट डिजिट 6 है, तो हम डिवाइड करते हैं, तो 8 का मल्टीपल में 6 कब आता है? एक 7 से गुना करने पे 56 आता, मतलब यूनिट डिजिट 6 आता है। एक 8 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है यूनिट डिजिट। तो ये सब अपन को ध्यान रखना है। तो आइए कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं एग्ज़ाम में आया वो क्वेश्चन पे हम यूनिट डिजिट कैसे लगाएंगे, सबसे कम समय में हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं, आइए कुछ क्वेश्चन में चलते हैं यूनिट डिजिट का कैसे यूज होगा। जैसे ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है, ये क्वेश्चन में ये ऑप्शन अगर होता है तो यूनिट डिजिट का यूज कैसे करते हैं। जैसे 301 को अगर 56 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 301 को 57 से गुना करते हैं, तो 7 का पहले मल्टीपल हम 1 से करते हैं, तो 7 × 7 मतलब यूनिट डिजिट जो होगा वो 7 होगा। तो ऑप्शन चेक करते हैं यूनिट डिजिट क्या होगा। तो जैसे इसमें 7 है, ये हो सकता है, इसमें नहीं, ये नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, ये 4 है, ये हो सकता है। तो अब हम फंस गए। अब इसमें हम क्या देखेंगे, अगर हम 300 को अगर हम 50 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 15,000 से ज़्यादा आएगा ये तो, लेकिन 15,000 से कम है, तो मतलब ये भी नहीं है, ऑप्शन एक ही होगा आंसर। ऐसे हम चेक करते हैं। ये हम सेकंड वाले में देखते हैं। सेकंड वाले में कैसे होगा कि अगर हम 6 को 7 से करते हैं तो 6 × 7 = 42 दो बचेगा यूनिट डिजिट। अब 2 को 4 में करेंगे तो 8 आएगा यूनिट डिजिट। अब ऑप्शन में देखते हैं कि 8 किस किस में है। जैसे इसमें 8 है, ये हो सकता है, इसमें नहीं है, ये नहीं होगा, इसमें नहीं है, ये नहीं होगा, इसमें नहीं है, मतलब इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, यही आंसर है। जैसे इसका हो गया, अब ये तो हो गया मल्टीप्लाई में। अब देखते हैं एडिशन में कैसे होगा। अगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब में आता तो कैसे होगा। जैसे ये क्वेश्चन हो गया 3159 में यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। तो 9 को जब 3 में ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 9 × 3 = 12 मतलब यूनिट डिजिट 2 आ गया। 2 में से अगर 0 घटाते हैं तो यूनिट डिजिट 2 ही आएगा।
फिर दो में से तीन जोड़ेंगे तो यूनिट एट पाँच आ गया, पाँच में से एक गया तो यूनिट चार बचेगा। जो भी ऑप्शन इसका आंसर होगा उसके यूनिट डिजिट में चार आना चाहिए, फोर आना चाहिए, ठीक है, फोर आना चाहिए। तो अब हम क्या देखेंगे, इसमें फोर है ये हो सकता है, इसमें नहीं है ये नहीं होगा, इसमें नहीं है ये नहीं होगा, इसमें है ये हो सकता है। अब दो ऑप्शन में हम फंस गए हैं, ये होगा या ये होगा। अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो टाइम काफ़ी लगेगा। तो हम अगर एक और ट्रिक में अप्रोक्सीमेशन में जाते हैं, अप्रोक्सीमेशन मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, या अगर शॉर्ट वीडियो बनती है तो इसमें ही मैं बताऊंगा अप्रोक्सीमेशन से हम कैसे जाते हैं। तो जैसे हम इसको अगर मानते हैं 3100, इसको हम 3100 मान सकते हैं, 3100 में से अगर 1600 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4700, 4700 में से अगर 200 जोड़ेंगे तो क्या होगा 4900 में अगर हम 1500 भी घटाते हैं तो क्या आएगा 3500 के आसपास आंसर आएगा, 3400-3500 के आसपास। ये तो 1500 है, ये मतलब ये नहीं हो सकता, यही आंसर है, ठीक है। आपको समझ, अगर आपको समझ में आता है तो लाइक करें और दोस्तों पे पहुँचाएँ। मैं बहुत अच्छे से ट्रिक अभी अपलोड करूँगा मैं अपने चैनल पर। जैसे ये हो गया, ये डिवाइड में है, अगर डिवाइड में हम कैसे होता है, तो डिवाइड में जैसे इतना लंबा संख्या है इसको 5 से डिविजन करना है, तो अपन लोग कैसे करेंगे, 5 तिहाई 15, फिर 5 एकम 5, 2 इधर गया 25, 1 इधर गया 5 तिहाई 15, फिर 1, ऐसे बनाए। अब हम इतना करने के बजाय हम डायरेक्ट चेक कर सकते थे, 5 यूनिट डिजिट 5 है, मतलब 5 को किसी भी संख्या से, सब ऑप्शन यूनिट मतलब सब डिविजिबल होता है तभी ऑप्शन दिया हुआ है इंटीजर में, अगर इंटीजर में नहीं होगा तो यहाँ पे फ्रैक्शन में रहता है, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं है मतलब कम्प्लीटली डिविजिबल है ये, अगर फ्रैक्शन में नहीं है तो कम्प्लीटली डिविजिबल है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो जैसे 5 से किसका मल्टीपल करेगी, 5 ही आएगा, 5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 ही आएगा, तो मतलब ऑप्शन ये है। ठीक है, और फिफ्थ वाले में चलते हैं। फिफ्थ वाले में जैसे ये आता है 6052 को अगर हम 68 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, तो इसमें अपन लोग देखते हैं, बेसिकली चेक करेंगे कि 6052 को 68 से डिवाइड करेंगे तो इसको हम काफ़ी टाइम लगेगा डिवाइड करने में। तो एक और ऑप्शन है कि हम इसको मतलब अप्रोक्सीमेशन से जाते हैं तो कैसे होगा, अप्रोक्सीमेशन से जाने का है कि अगर हम इसको मतलब 60 मानते हैं, इसको 70 मानते हैं, तो 7 8 56 जो भी आएगा वो 8 में होगा, मतलब ये तो नहीं होगा ये भी नहीं होगा, ये दोनों हम फंस गए हैं। तो इसके लिए हम यूनिट डिजिट लगाएंगे, तो 8 का टेबल में 2 कितने टाइम्स में आता है, 2 आता है कभी, अगर हम 7 से करते हैं तो 7 8 56 6 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 6 नहीं, यहाँ 2 है, मतलब ये ऑप्शन सही है, देखिए ये सही भी हो जाएगा। 9 को जब 8 से करेंगे तो 72, यूनिट डिजिट 2, आंसर सेटिस्फाई, ये सही हो गया। ऐसे 5 एग्जांपल और हैं, वो एग्जांपल को अब देखते हैं कैसे, आइए अब देखते हैं बाकी क्वेश्चंस को वो कैसे होगा। जैसे अपन लोग देखते हैं इसमें यूनिट डिजिट कैसे लगेगा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, तो देखिए मतलब जब भी इसको गुना करेंगे तो 2 जीरो आना चाहिए लास्ट में, 00 एंडिंग में आना चाहिए, इसमें है इसमें नहीं है, इसमें 10 है ये भी नहीं, मतलब देखिए एक ही ऑप्शन है। अगर नहीं, वैसे भी अगर 00 दो ऑप्शन में होता तो हम क्या चेक करते हैं, मतलब 4 2 8, मतलब 20 के बाद 8 आना चाहिए, मतलब यही ऑप्शन है, तो यही होगा आंसर। अब 7 का अपन लोग देखते हैं, तो 7 का, 7 का जब देखते हैं ना तो 7 का देखिए क्या है, 5 1 4 1 6 9 इंटू 28 इंटू 49 डिविजिबल बाई 14, तो देखिए सारा ऑप्शन इंटीजर है, सारा ऑप्शन इंटीजर है, इसका मतलब जो भी आंसर होगा वो इंटीजर में ही होगा। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 2 से कम्प्लीटली जाएगा, तो 9 2 18 8 हो गया, 8 9 72 2, यूनिट डिजिट 2 आया, 2 किसी में 2 नहीं है, 2 नहीं है, 2 नहीं है, 2 है, सेटिस्फाई। उसी तरह ये भी है, अगर हम 6 को डिवाइड करते हैं इस नंबर से तो देखते हैं कैसे होगा ये, तो इसमें देखते हैं ये 2 का 3 होगा यूनिट डिजिट, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 में से 0 घटाएंगे
फिर प्लस सिक्स जोड़ेंगे मतलब कितना आ गया, इलेवन। इलेवन का यूनिट इज वन, वन इसमें नहीं है, वन इसमें नहीं है, वन इसमें नहीं है, इसमें है, ये आंसर हो जाएगा। उससे था नाइन का हम चेक करते हैं, तो नाइन का वैसे ही यूनिट डिजिट जब आठ को आठ से गुना करें, अट्ठी अट्ठी चौंसठ, चार बच्चा चार में दो ये बोर्ड मास लगाते हैं तो दो आएगा तीन बार में, तीन चार तीन सात प्लस एक आठ, आठ में से सात गया तो एक, यूनिट डिजिट एक, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, यही आंसर होगा। अगर इसमें चेक करते हैं तो दो चार कम मतलब एक को एक से गुना करेंगे, एक प्लस इसमें नाइन जोड़ेंगे, प्लस माइनस वन करेंगे, प्लस नाइन जोड़ेंगे, माइनस नाइन, प्लस नाइन माइनस नाइन गया, यहाँ पे माइनस नाइन, यहाँ नाइन बचेगा, यूनिट इसमें नहीं, इसमें नहीं, यहाँ पे है, यहाँ पे है। अब हम दो ऑप्शन में फंसे हैं कि अब अपन लोग कैसे बनाएंगे इसको, आइए चेक करते हैं। इसमें है नाइन, उसके बाद अब अप्रोक्सीमेशन से जाना होगा, मतलब अगर 40 मानते हैं तो 200 हो गया, दो ये हो गया 40 को जब 200 से गुना करेंगे तो 8000, 8000 प्लस 70, 8070, 8070 में 200 अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 8270 में से ये हो गया अगर इसको जोड़ते हैं 900, 900 घटाएंगे 8270 में, अगर हम घटाते हैं तो 8000 के आसपास ही आंसर है, मतलब आंसर ये है, ये चेक कर लीजिएगा आप लोग, आंसर ही आएगा, आंसर ये वाला फर्स्ट ऑप्शन ही आएगा, चेक कर लीजिएगा आप लोग, ये ऑप्शन ही होगा। ठीक है, अब चलते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड में, आइए देखते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड कैसे लगता है। जैसे अप्रोक्सीमेशन मेथड में पहले ही बताया कि अगर 200 होता है, अगर 200 है तो 200 को अगर 80 से गुना करेंगे तो ये 16 आएगा, 16 के बाद 3 जीरो, तो ये अप्रोक्सीमेशन में चलें। जैसे 216 को हम 87 से गुना करते हैं तो हम इसको 200 मानते हैं, इसको 90 मानते हैं, इसको हम 200 मानेंगे, इसको 90 मानेंगे, तो कितना है 18000, जो भी ऑप्शन होगा वो 18000। देखिए ये 200 से कम है, ये 200 से ज़्यादा है, लेकिन ये तीन कम, ये 16000, मतलब 18000 से ज़्यादा आंसर आएगा इसका, ज़्यादा ज़्यादा नहीं आएगा, मतलब 18100 से 200 के बीच में आएगा, आप चेक कर लीजिएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो ये होता है अप्रोक्सीमेशन मेथड, अप्रोक्स निकाल के चलते हैं। जैसे अगर अपन लोग हम देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, अगर 786 को 914 से गुना करेंगे तो आंसर क्या आएगा, अप्रोक्सीमेशन ऑप्शन से चेक करेंगे। अगर हम इसको मानते हैं 700 मानते हैं, ये 800 के आसपास है, इसको हम 800 मानते हैं, इसको 900 मानते हैं, मतलब 72000, 72000 से थोड़ा सा कम होगा, मतलब 65, मतलब इसको 68000 से 72000 के बीच में जो ऑप्शन होगा वही आंसर होगा। अगर दो ऑप्शन मिलता है तो फिर हम यूनिट डिजिट चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे बेस्ट होता है अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन बैंकिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है, बैंकिंग का मोस्टली क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन से जाता है। जैसे 2.00 प्लस 4.81 प्लस 9 × 7 प्लस 2, इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सबको जोड़ना पड़ेगा, तो हम अप्रोक्सीमेशन में जाएंगे, 4 × 2 = 6, 8 × 9 = 63, 2 × 65, 65 × 6 = 71, 71.81 यही आंसर है, ऐसे अप्रोक्सीमेशन में जाएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब, चैनल को दोस्तों तक पहुंचाएं। नेक्स्ट वीडियो ये यूनिट डिजिट हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया, डिजिटल सम, ये बहुत ज़बरदस्त का कॉन्सेप्ट है, इससे मैथमेटिक्स के बहुत से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, मेनली एसआई सीआई, आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं बिना कैलकुलेशन किए हुए। तो ये लेनी टॉपिक है, ये इसका खुद का वीडियो होगा 10 to 15 मिनट का, तो मैं अगले वीडियो में इसको लाऊँगा। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, कॉन्सेप्ट डिडक्शन है। मैं प्लान कर रहा हूँ कि NTPC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए, तो NTPC का मैं बहुत जल्द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो शायद जेन्युइन क्वेश्चन होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत से यूट्यूब चैनल्स पे क्वेश्चंस हैं, लेकिन बहुत से उसमें एडिटेड क्वेश्चन हैं, जिसके कारण से लोगों को
ऐसा लगता है कि NTPC का मैथ्स काफ़ी हार्ड आता है, बट ऐसा कुछ है नहीं, तो आप कम टाइम में भी कर सकते हैं। तो इसके लिए PBSC के क्वेश्चन ही आपको लगाना होगा, जो जेन्युइन क्वेश्चन है जो बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं। तो मैं अब लेके आऊँगा क्वेश्चंस NTPC का, PBSC क्वेश्चंस 2016 के सारे शिफ्ट के लेके आऊँगा, ऑल शिफ्ट के। तो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक दें और शेयर करें दोस्तों के बीच। थैंक यू।